अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी शेयर होंगे। इससे पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू के गेस्ट पेपर जो हैं वो शेयर हो चुके हैं, न्यू गेस्ट पेपर। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपने चैनल ओपन करना है, होम के साथ वीडियो का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाना है तो आपको गेस्ट पेपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर स्कीम की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 1 और 2 से आता है। तो अगर आप लोग जो है इनको कर लें जो सवाल बताने जा रहे हो, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है आराम से ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। पेपर स्कीम जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो यहाँ पर भी जो है जस्ट जो है साथ साथ मेंशन किए हुए हैं कि तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू है। तो इसमें यूनिट नंबर 1 शार्ट क्वेश्चन डेफिनेशन जो है, ये 1, 2, 3, 4, 5 डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन, 6 डेफिनेशन इनको लाजमी करना है। पेज नंबर 2 पे एग्जाम्पल 1 का जो 4th पार्ट है वो करना है और एग्जाम्पल 3 करनी है। पेज 3 पे एग्जाम्पल 4 करना है और उसके बाद पेज 9 पे एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 करनी है। पेज 10 पे एग्जाम्पल 3 का बी पार्ट जो है वो आप लोगों ने लाजमी करना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 का पहला से लेकर चौथे पार्ट तक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद फाइंड एफ इनवर्स ओनली फ्रॉम पार्ट 1, मतलब इसका सिर्फ ओनली पार्ट 1 जो है वो करना है और उसके बाद जो है पार्ट 1 से पार्ट 4 तक करना है। सॉरी, पे 20 पे एग्जाम्पल 1 का पहले और दूसरा पार्ट करना है। पे 22 पे एग्जाम्पल 3 और 4 करनी है और पे 24 पे एग्जाम्पल 5 करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का 3रा, 5वां, 7वां, 8वां पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर 10 पार्ट और क्वेश्चन 4 का 1 से लेकर 9 पार्ट जो है वो करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद यूनिट नंबर टू में ये डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आप लोगों ने करनी है। 6 डेफिनेशंस हैं, इन 6 डेफिनेशंस को आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। उसके बाद जो है आपने शार्ट क्वेश्चन के लिए 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 11 करना है, साथ 13, 16 और 17, ये वाले आपने 2.3 के क्वेश्चन जो है उनको रिवाइज करना है। पेज 66 पे एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 करनी है। पेज 68 पे एग्जाम्पल 1 एंड 2 करनी है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और आप लोगों ने चौथा पार्ट जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा पार्ट करना है। उसके बाद ये वाले कुछ सवाल हैं, प्रूव दैट डी ओवर डी एक्स एंड इनवर्स एक्स इज इक्वल 1/√1 × x² और नीचे 3-2 सवाल और हैं, इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5 और क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट करना है। पेज 80 पे एग्जाम्पल 1, 83 पेज पे एग्जाम्पल 1, 84 पेज पर एग्जाम्पल 3, 86 पेज पर एग्जाम्पल 2 करनी है। 2.6 का आप लोग क्वेश्चन 1 का पहले से लेकर 8वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले से लेकर 13वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहले से लेकर चौथा पार्ट करना है। 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 4 और उसके बाद आपने जहाँ पे वह जो है बेस 2 वो है उसका पहला और तीसरा पार्ट जो है वो करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 करना है। 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट करना है। तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट क्वेश्चन का, तो इसमें आप लोगों ने कोई से जो है 8 सवाल जो है वो करने होते हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 3 जो है इसके हम शार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज 121 की एग्जाम्पल करनी है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा पार्ट करना है, क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है। उसके बाद पेज 128 पे एग्जांपल्स करनी है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहले से 9वां पार्ट तक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां पार्ट करना है। पेज 132 पे एग्जाम्पल 4 और 5 करनी है। पेज 134 पे एग्जाम्पल जो है वो 9 आप लोगों ने करनी है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 15, 16, 21, 22 करना है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहले से लेकर 7वां पार्ट, क्वेश्चन 5 का पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां पार्ट करना है।
एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1-4 करना है। पेज 157 की एग्जांपल नंबर 1 का पहला पार्ट, पेज 158 के एग्जांपल 2 का दूसरा पार्ट, पेज 159 के एग्जांपल 3 जो है आप लोगों ने करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 और 19 करना है। 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करना है। उसके बाद ये जो है डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने, डिफाइन डिफरेंस इक्वेशन एंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपने डेफिनेशन करनी है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 करना है। और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 में से कुछ और आता है, और क्वेश्चन 4 में भी चैप्टर नंबर जो है 4 जो है आप लोगों ने देख लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में पेज 181 एग्जांपल 1 करनी है, 182 की एग्जांपल 2 करनी है, 183 की एग्जांपल जो है वो 1 आप लोगों ने करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 9 14 17 करना है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करना है, क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन 13 14 21 28 क्वेश्चन 30 और 22 का ए पार्ट जो है वो करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 5 16 और 17 करना है। 4.5 का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करना है। एग्जांपल 226 करनी है पेज पर जो है, और 227 पे एग्जांपल नंबर 1 जो है वो आप लोगों ने करनी है। तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तीसरा और चौथा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यूनिट नंबर 5, 6 और 7 है, तो इसमें आप लोगों 9 सवाल करने होते हैं 13 में से। तो सबसे पहले क्वेश्चन यूनिट नंबर 5, तो ये कुछ डेफिनेशन है यूनिट नंबर 5 की जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, तो ये डेफिनेशन जो हैं आप लोगों ने तैयार कर लेनी अच्छी तरह से। उसके बाद ये क्वेश्चन है थोड़े से यूनिट नंबर 5 के, इन क्वेश्चंस की जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है। तो आपको नज़र आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस की आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 6.1 का क्वेश्चन 1, 2 और पे 250 पे एग्जाम्पल 1, पे 251 पे एग्जाम्पल 2, 257 पे एग्जाम्पल 1, 262 पे एग्जाम्पल 6 जो है आप लोगों ने करनी है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1, 3, 4 करना है। 6.4 का क्वेश्चन 1, 2 और पहला दूसरा पार्ट करना है 2 का। 6.5 का क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन 2 का पहला दूसरा पार्ट, 6.6 का क्वेश्चन 1 का पहला दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 2 का पहला दूसरा तीसरा पार्ट जो आप लोगों ने करना है। और ये चैप्टर नंबर 6 की जो है ये कुछ डेफिनेशन हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, तो इनको भी आप नोट कर लें। ये डेफिनेशन जो है आप लोगों ने अच्छे से जो है वो तैयार करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोगों ने करना है। एक्सरसाइज 7.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, 10, 11 और 12 जो है करना है। पे 346 पे एग्जाम्पल 4, 5 करनी है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5 करना है। एग्जाम्पल जो है 353 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है। 7.4 की क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। 7.5 का क्वेश्चन 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 और 13 करना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैथमेटिक्स के शार्ट क्वेश्चन हैं सेकंड ईयर की मैथ के। इन शार्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ स्कीम के मुताबिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।